हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं अपने चैनल पे, और जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में सिलेबस दिया हुआ है उसे टॉपिक वाइज कई वीडियोस मेरे आ चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया की सीरीज मेरी चल रही है भारतीय कला और संस्कृति, इसमें मेरा पार्ट दो पार्ट आ चुके थे, आज मेरा तीसरा पार्ट रहेगा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत में जो त्यौहार होते हैं और मेले होते हैं उसके बारे में। जितने भी टॉपिक मैं ला रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन लिख के रहेगा, मैं आपसे गारंटी कैसे कह सकता हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। और हिंदी वाले स्टूडेंट प्लीज़ परेशान ना हो, आप एक बार देखिए लेक्चर को, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है हिंदी में, और जो लिखा हुआ है इंग्लिश में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारा उत्तर पूर्वी जो इंडिया है, जैसे मिजोरम, आसाम, गोवा है ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, मणिपुर, ये सब में जो है जो वहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे वहाँ पर त्यौहार होते हैं लोसार फेस्टिवल, सागा फेस्टिवल, लुसुंग फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, खारची पूजा, चोरोबा फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल, कांग चिंबा, अंबुबाची मेला, सिक्रेनिया फेस्टिवल, मजुली फेस्टिवल, लियू नकाई बी फेस्टिवल और ड्री फेस्टिवल। दोस्तों, फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, जो हमारे उत्तर पूर्वीय जो त्यौहार हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं कि ये फला त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लोसार फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, लोसार इज़ अ फेस्टिवल इन तिब्बतन बुद्धिज्म। बेसिकली जो तिब्बत के जो बुद्धिज्म रिलीजन के लोग हैं, बुद्धिज्म धर्म के लोग हैं, वो इस लोसार फेस्टिवल को मनाते हैं। हमारे इंडिया में जो ये मेन फेस्टिवल है, ये अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें मनाया जाता है। और ये लोसार जो है क्या है, बेसिकली ये तिब्बतन जो कैलेंडर है, उनका जो कैलेंडर है तिब्बतन कैलेंडर, जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, मुस्लिम कैलेंडर होते हैं, है ना, वैसे तिब्बतन कैलेंडर भी होता है, उसका ये नया साल होता है लोसार, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है ये लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर 3 डेज। अगर हम इंग्लिश कैलेंडर में कंपेयर करें तो फरवरी का महीना पड़ता है, और उस फरवरी के महीने में ये लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है और 3 दिन तक चलता है। सेलिब्रेटेड बाई महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट जानते हैं कि इसमें महायाना सेक्ट जो होता है, महायाना जो ग्रुप होते हैं बुद्धिज्म के, वो लोग इस लोसार फेस्टिवल को मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है ये लोसार फेस्टिवल जो है, ये मैंने आपको पिक्चर डाल दी है। सागा देवा, सागा देवा ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी बुद्धिस्ट के लोग सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, ओके फ्रेंड्स, जिस दिन फुल मून होता है ना, पूर्णिमा होती है टाइप का, उस दिन सागा देव को मनाया जाता है। और एक कब किस में बनता है, लगभग मई और जून के बीच में जो है सागा देवा मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जब मैं हिंदू के त्यौहार बताऊंगा ना, तब देखिए उसमें फिर सागा देवा आएगा, तो आप लोग लिंक करिएगा उसको। लुसुंग फेस्टिवल, सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ सिक्किमीज न्यू ईयर। बेसिकली जो सिक्किम का जो नया साल होता है, उनके भी कैलेंडर होते हैं, तो उसका जो नया साल होता है वो लुसुंग होता है, तो लुसुंग फेस्टिवल जो है उनके नए साल में जो है लुसुंग फेस्टिवल को मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन सिक्किम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, ये और जो जो नया साल सिक्किम का जो नया साल होता है, वो लगभग हमारे इंग्लिश कैलेंडर को कंपेयर करें तो वो दिसंबर में पड़ता है, तो जो लुसुंग फेस्टिवल होता है वो दिसंबर में हर साल मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड इन द हार्वेस्ट सीजन बाय द फार्मर्स, बेसिकली उस समय किसान वहाँ के मनाते हैं जब उनकी जो है क्रॉप की कटाई हो चुकी होती है ना फसलों की, तो उस समय लुसुंग फेस्टिवल को मनाया जाता है। पीपल ड्रिंक लोकली वाइन कार छंग, बेसिकली इस लुसुंग फेस्टिवल में उसका यूनिक फीचर है कि वहाँ के लोग जो होते हैं सॉरी जो वहाँ के लोग होते हैं दोस्तों, वो वहाँ की लोकल शराब होती है उसको पीते हैं, जिसका नाम होता है चैंग। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स ऑफ भाटिया ट्राइब बट लेपचाज आल्सो सेलिब्रेटेड, जो सिक्किम की जो भाटिया ट्राइब होती है दोस्तों, वो इस लुसुंग फेस्टिवल को मनाती है, बट आजकल जो है लेपचाज जो है वहाँ की ट्राइब, वो भी इसको मनाने लगी, लेकिन है ये भाटिया ट्राइब का ही फेस्टिवल। ये देखिए दोस्तों, ये है लुसुंग फेस्टिवल। ओके फ्रेंड्स, बिहू फेस्टिवल, बिहू डांस भी आया था ना, अब बिहू फेस्टिवल भी देख लीजिए। बिहू और असमीज न्यू ईयर इज़ द चीफ फेस्टिवल इन द आसाम स्टेट ऑफ इंडिया। बेसिकली बिहू फेस्टिवल जो है ये आसाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है, और ये है ना फ्रेंड्स, इसको असमीज न्यू ईयर भी बोला जाता है। रोंगाली और
देखिए इसमें तीन बिहू के तीन फेस्टिवल्स होते हैं। एक होता है रोंगाली और बोहाग बिहू जिसको अप्रैल मनाते हैं, कोंगाली या काटी बिहू इसको अक्टूबर मनाते हैं, और भोगाली या माघ बिहू इसको दोस्तों जनवरी में मनाते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे फेमस जो है वो रोंगाली बिहू है। ये वाला बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ थ्री सेलिब्रेटिंग द असमीज न्यू ईयर इन द स्प्रिंग फेस्टिवल। बेसिकली असम का जो नया साल होता है उसके हिसाब से इसको मनाया जाता है बोहाग बिहू। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों, ये जो है ये बोहाग बिहू का ही पार्ट है, जो डांस भी है बिहू डांस। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों ये सेलिब्रेटेड नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन ये सब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है इज अ सेलिब्रेशन बट एवरी ईयर इज अ सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 10 December। बेसिकली 1 से 10 December के बीच में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, त्यौहारों का त्यौहार कहते हैं, और इसको जो मनाया जाता है दोस्तों वो वहाँ की नागा ट्राइब जो होती है वो इसको मनाती है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ओके फ्रेंड्स, ये दोस्तों ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल, वहाँ का है, नागालैंड का, नागा ट्राइब मनाती है। करछी पूजा, करछी पूजा इज़ अ हिंदू फेस्टिवल फ्रॉम त्रिपुरा। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा त्रिपुरा स्टेट है वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड लास्टेड फॉर 10 days। ये हर साल जो है जुलाई में मनाया जाता है और लगभग 10 दिन तक चलता है। सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा हु ऑर्डर टू सेलिब्रेट 14 gods। बेसिकली वर्शिप्ड होगा, हु ऑर्डर टू वर्शिप, वर्शिप होगा यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली लॉर्ड शिवा के कहने, एक्चुअली लॉर्ड शिवा ने, मानते हैं वहाँ के लोग, लॉर्ड शिवा ने कहा था कि वहाँ के जो 14 local gods थे ना उनकी आप वर्शिप करिए, तो उसी के उनके ऑनर में जो है लॉर्ड करछी पूजा करी जाती है, उन्हीं 14 gods के मनाते हैं, उससे वर्शिप पूजा होती है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट अगरतला इन द टेम्पल प्रेमिसेस ऑफ 14 gods। बेसिकली इस करछी पूजा को अगरतला जो वहाँ की राजधानी है त्रिपुरा की, है ना, तो वहाँ पे जो है टेम्पल है 14 gods का, वहीं पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी, ये करछी पूजा है। ओके फ्रेंड्स, चेरोबा फेस्टिवल दोस्तों ये सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, मणिपुर में हर साल मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चेरोबा इज द न्यू ईयर ऑफ मणिपुर अकॉर्डिंग टू मणिपुर ट्राइब्स। जो मणिपुर के ट्राइब्स हैं वो इस चेरोबा को नया साल मनाती हैं, तो उसी के खुशी के उपलक्ष्य में चेरोबा फेस्टिवल को मनाया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट ल्यूनर डे ऑफ ल्यूनर मंथ सजीबू। बेसिकली जो मणिपुर ट्राइब्स हैं उनके हिसाब से जो उनका नया साल है सजीबू, सजीबू उनके कैलेंडर का नया साल होता है, जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में मार्च या अप्रैल पड़ता है, तो उसी के उपलक्ष्य में चेरोबा फेस्टिवल मनाया जाता है। डोमेस्टिक डेटी कॉल सनामाही वर्शिप बाय द मणिपुरी पीपल। डोमेस्टिक डेटी मतलब होता है देवता, जो वहाँ की लोकल देवता है सनामाही, उन्हीं मणिपुर के लोग उस सब इन फेस्टिवल में उनकी पूजा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल समझिए आप ये दोस्तों, ये है आपका वांगला फेस्टिवल। वांगला इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय द गारो ट्राइब हु लिव इन मेघालय नागालैंड एंड असम इन इंडिया। एक्चुअली क्या है कि वांगला फेस्टिवल कौन सी ट्राइब बनाती है, कौन सी जाति बनाती है, वो है गारो ट्राइब। ओके फ्रेंड्स, और गारो ट्राइब जो कि कहाँ कहाँ रहती है, मेघालय नागालैंड और असम, मेघालय नागालैंड असम तीनों की जो गारो ट्राइब होती हैं वो ये वांगला फेस्टिवल को मनाती हैं। सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लोकल डेटी मिसी सैली जोंग। बेसिकली लोकल देवता उनकी जो है, इनका नाम है मिसी सैली जोंग, उन्हीं के ऑनर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आल्सो नोन एज 100 drum वांगला फेस्टिवल, इसको 100 drum वांगला फेस्टिवल भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये है, ये गारो ट्राइब वाले लोग इस वांगला फेस्टिवल को मनाते हैं। कांग चिंगबा बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है मणिपुर में वो कांग चिंगबा फेस्टिवल होता है। सेलिब्रेटेड ईच ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड लास्टेड फॉर 8 days। हर साल जो है ये लगभग होता है जुलाई में और 8 दिन चलता है। फेस्टिवल्स इंक्लूड रथ यात्रा, री इनैक्ट जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। बेसिकली लॉर्ड जगन्नाथ ने जो यात्रा करी थी अपने बेटे के साथ और अपनी बहन के साथ, उसी यात्रा को दोबारा उसका रूपांतर करते हुए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसका नाम है कांग चिंगबा। ओके फ्रेंड्स, इसको कभी कभी कहते हैं रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ फेस्टिवल भी कहते हैं मणिपुर, ध्यान रखिएगा। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला इज द एनुअल हिंदू मेला हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी आसाम। गुवाहाटी आसाम के कामाख्या टेम्पल में ये हर साल हिंदू मेला होता है अंबुबाची मेला। इसको महाकुंभ ऑफ ईस्ट मतलब पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। मैन डिवोटीज कम टू सी ब्लेसिंग्स ऑफ चाइल्ड फ्रॉम गॉडेस। बेसिकली जिनके लोग दोस्तों, जिनकी औलाद नहीं होती है, तो वहाँ पे जो देवी माता होती हैं उनसे लोग पूजा करने आते हैं, उनकी उनकी पूजा करने आते हैं ताकि उनको औलाद हो जाए।
ओके फ्रेंड्स, ऑकर्स इन असमीज मंथ आहार, आसाम के जो महीना होता है आहार उसके उसी महीने में ये मनाया जाता है। वैसे कि सबका अपना अपना कैलेंडर है, सिक्किम का अलग, मणिपुर का अलग, असम का अलग, उनके हिसाब से आहार जो होता है मंथ उसके हिसाब से अंबुबाची मेला मनाया जाता है। इंग्लिश कैलेंडर में ये जून में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ये दोस्तों अंबुबाची मेला। सक्रेनिया फेस्टिवल, दोस्तों इतने भी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपके कौन से ट्राइब मना रही है अगर दिया है तो, और किस किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। सेलिब्रेटेड बाय अंगानी ट्राइब ऑफ नागालैंड, इसलिए नागालैंड की जो अंगानी ट्राइब होती है वो इस सक्रेनिया फेस्टिवल को मनाती है। दोस्तों ये भी जब ट्राइब भी ध्यान रखिएगा, अभी तक पूछ लेता है कि किस स्टेट की कौन सी ट्राइब है, तो वो सब ध्यान रखिएगा क्योंकि अंगानी ट्राइब नागालैंड की है। सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी महीने मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू अंगानी ट्राइब इट फॉल्स ऑन 25th ऑफ केजाई मंथ, बेसिकली अंगानी ट्राइब के हिसाब से उनका भी अपना कैलेंडर है, तो जो उनका केजाई मंथ होता है उस केजाई मंथ की 25वीं तारीख को जो है सक्रेनिया फेस्टिवल मनाते हैं। हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये फरवरी में पड़ता है। आल्सो नोन एज फौसनी बाई अंगानी ट्राइब, अंगानी ट्राइब से फौसनी भी जो है नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये अंगानी ट्राइब जो है नागालैंड में इस सक्रेनिया फेस्टिवल को मनाती है। मजुली फेस्टिवल, मजुली इज द रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, आसाम, आसाम में है, आसाम इन ब्रह्मपुत्र आसाम, एंड इन 2016 इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। एक्चुअली क्या है मजुली, क्या है ये रिवराइन आइलैंड है। बेसिकली आइलैंड क्या होता है, जब किसी समुंदर के बीच में कोई छोटा सा एरिया हो, जैसे बीच में हो ज़मीन का टुकड़ा, तो उसे आइलैंड बोलते हैं। जैसे हमारा श्रीलंका, चारों तरफ पानी है और बीच में क्या है श्रीलंका, तो श्रीलंका भी एक आइलैंड है। सॉरी, तो रिवराइन आइलैंड क्या होता है कि जैसे चारों तरफ रिवर हो और बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा हो, तो उसे रिवर का आइलैंड बोलते हैं। तो मजुली भी ऐसा ही एक रिवर का आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, आसाम में, ध्यान रखिएगा। और 2016 में वहाँ की सरकार ने इस मजुली आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया, एक जिला घोषित कर दिया है। तो मजुली इज द, मजुली इज करेंटली लिस्टेड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। बेसिकली ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मजुली फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो उसी जमीन के टुकड़े पे उसी जिले में मजुली फेस्टिवल हर साल नवंबर को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आसाम में, ध्यान रखिएगा। मजुली क्या है, एक रिवराइन आइलैंड है ये दोस्तों, ये। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, जो वहाँ की आसाम की, वो वहाँ पे कई सेमिनार्स करती है, प्रोग्राम्स वगैरह करती है मजुली में। ल्यू नगाई नी फेस्टिवल, ये हर साल दोस्तों नागा ट्राइब के लोग मनाते हैं। सेलिब्रेटेड इन नागालैंड एंड मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर में ये मनाया जाता है। ल्यू नगाई नी इज़ अ सीड सोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई नागा ट्राइब्स ऑफ मणिपुर। बेसिकली सीड का सोइंग फेस्टिवल है, जब सीड को बोते हैं तो उस समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन मनाता है, ये मणिपुर के जो ट्राइब, मणिपुर में जो नागा की ट्राइब होती हैं वो इसको मनाती हैं। मणिपुर में भी मनाती हैं और नागालैंड में भी मनाती हैं। मेन जो है मणिपुर का है, मेन जो है मणिपुर के लोग मनाते हैं, लेकिन नागालैंड के लोग भी साथ में मनाते हैं। ल्यू नगाई फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा, नागा ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है ये है दोस्तों, ये नागा ट्राइब के लोग फेस्टिवल मनाते हैं। ड्री फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट करते हैं अप्तानी ट्राइब, अप्तानी ट्राइब कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये हर साल 5 जुलाई को ये ड्री फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल। ध्यान रखिएगा कि हर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, कौन से ट्राइब के लोग मनाते हैं अगर दिया है तो। ओके फ्रेंड्स, इतना अगर ध्यान रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम रेलवे ऐसा एग्ज़ाम निकल जाएगा, और उस नॉर्थ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल, दोस्तों ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे हिंदू फेस्टिवल और मुस्लिम फेस्टिवल इंपॉर्टेंट क्या आती है कि हम सब जानते हैं वो क्या है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो पूछ देगा, या फिर ये पूछता है कि ये उनके कैलेंडर के हिसाब से किस महीने में आता है। ये चीज़ आप देखेंगे, क्योंकि हिंदू फेस्टिवल तो हम जानते हैं, होली दीपावली और ईद वगैरह सब जानते हैं, लेकिन ईद इस्लामिक महीने के किस कैलेंडर के हिसाब से आती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछ लेगा आपसे। तो इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल्स में देखिए, ईद उल फितर है, ईद उल अजहा है या जुहा बोलते हैं, मिलाद उल नबी है, मुहर्रम है और शबे बरात है। ओके फ्रेंड्स, ये 5 त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईद उल फितर हम जानते हैं, हमारे मुस्लिम भाई ईद मनाते हैं, तो उसी को हम उसी का जो एक्चुअल नाम है वो ईद उल फितर है। फेस्टिवल फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ होली मंथ ऑफ शव्वाल, इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल के पहले दिन दोस्तों ये जो है मनाया जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान जो होता है, जैसे अभी रमज़ान चल रहा है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये।
रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। तो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, जैसे क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिसाब से होता है, तो रमज़ान का जैसे महीना ख़त्म होता है चांद निकलता है, कहते हैं चांद रात ईद का चांद, जैसे ही ईद का चांद निकलता है शव्वाल का महीना आता है। तो शव्वाल के महीने के पहले दिन ईद मनाई जाती है, और रमज़ान के ख़त्म होने के बाद, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ न्यू मून एट द एंड ऑफ रमज़ान, जब रमज़ान के बाद नया चांद निकलता है तो उसके बाद ईद मनाई जाती है। दोस्तों ये है हमारे मुस्लिम भाई, सॉरी, ईद उल जुहा या ईद उल अजहा, इसको हम लोग दोस्तों बकरीद के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बिगनिंग ऑफ हज, जो सऊदी अरब में मुस्लिम भाई हमारे हज करते हैं, तो वो हज का जो होता है वो बकरीद के त्यौहार के अवसर पे होता है। इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहते हैं, है ना दोस्तों। ईद उल अजहा जो होता है कब पड़ता है, ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से धूहल हिज्जा, ये 12वां महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर में, उसके 10वें दिन ये पड़ता है। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिए, 10th डे ऑफ कौन सा महीना, धुल अल हिज्जा, ये 12th महीना होता है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आप देखा होगा बकरीद में कैसे होता है चीज़ें। मिलादुन्नबी, मिलादुन्नबी बेसिकली मिलादुन्नबी क्या है, ये हमारे जो मोहम्मद साहब थे, तो उन मोहम्मद साहब के जन्मदिन के दिवस को मिलादुन्नबी बोला जाता है। और ये कब पड़ता है दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल, इस्लामिक कैलेंडर का जो तीसरा महीना होता है रबीउल अव्वल, उसके 12वें दिन ये पड़ता है। इसको हम लोग 12 वफात भी कहते हैं। 12 वफात इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि ये माना जाता है कि जो जिस दिन जो है रसूलुल्लाह जो है मोहम्मद साहब जो है पैदा हुए, उसी के मतलब जब शाम का वक्त आता है तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो 12 वफात मतलब 12 दिन से वो बीमार चल रहे थे, उसके बाद उनकी वफात हो जाती है। वफात मतलब होता है, उर्दू में वफात को इंग्लिश में बोलते हैं डेथ। ओके फ्रेंड्स, मुहर्रम सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुहर्रम जो होता है वो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इट इज़ अ सैड फेस्टिवल बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द मार्टिरडम ऑफ हुसैन बिन अली, द ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। एक्चुअली ये एक गमी का त्यौहार होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मोहम्मद साहब थे, जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे, उनके नवासे नाती जो थे वो हुसैन थे, उनके उनके दामाद अली थे, उनके बेटे हुसैन थे। तो जो मोहम्मद साहब के नवासे हुए वो हुसैन हुए। तो ये माना जाता है कि उस समय जो एक राजा था वो बहुत ही यजीद, जो कि बहुत ही क्रूर था, तो हुसैन ने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, लेकिन इस्लाम धर्म पर कोई आँच नहीं आने दी। तो जो इतना क्रूर नेता था उसने पूरे ख़ानदान को इमाम हुसैन को ख़त्म कर दिया। उस ख़ानदान में बल्कि क्या था कि 6 महीने का बच्चा भी था, है ना, इसको अली अजहर नाम से जानते हैं, तो उनको भी शहीद कर दिया गया था। तो उन्हीं के गम में जो है पूरे दुनिया के मुसलमान जो है मुहर्रम मनाते हैं। ये जो वाकया हुआ था ये 10 मुहर्रम को हुआ था, इस्लामिक कैलेंडर के 10 महीने को, 10 मुहर्रम को जो है ये वाकया हुआ था करबला में। करबला कहाँ पर है, इराक। इस्लाम के हिसाब से 61 हिजरी करबला में ये वाकया हुआ था, जिसमें उनके फैमिली मेम्बर्स को भी उस क्रूर राजा ने मार दिया था। ओके फ्रेंड, शहीद कर। 10th डे ऑफ मुहर्रम इज़ अ डे ऑफ मॉर्निंग अमंग आल मुस्लिम, स्पेशली शिया मुस्लिम। तो मुहर्रम का 10वां दिन होता है वो सभी मुसलमानों के लिए एक गम का दिन होता है, ज़्यादा शिया मुस्लिम्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों मुहर्रम है ना, कैसे लोग मनाते हैं, वो उन्हीं की याद मनाते हैं कि काश हम करबला में होते तो इमाम हुसैन पे अपने जान कुर्बान कर दिए होते, तो वो इस हिसाब से इनका चलता है। शबे बारात, इट इज़ द होली डे ऑब्जर्व बाई मुस्लिम कम्युनिटीज़ ऑन द नाइट बिटवीन 14th and 15th शाबान। शाबान का जो 8वां महीना होता है दोस्तों, वो 14 और 15 तारीख को जो शाबान का महीना होता है, शाबान क्या है, इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है। कैलेंडर के लिए परेशान ना होइए, मैं इसका अगली बार जो लेक्चर लाऊंगा वो कैलेंडर पे लाऊंगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट कल्चर का पॉइंट है, उसमें हिंदू कैलेंडर और मुस्लिम कैलेंडर जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें हम ले आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 14 और 15 शाबान की रात को शब बारात होता है। दिस इज द नाइट व्हेन प्रेयर्स आर अरेंज्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह फॉर वंस डिजीज्ड एंसेस्टर्स। एक्चुअली क्या है कि जो पूर्वज होते हैं ना मुस्लिम धर्म में, जो उनके जिनके पूर्वज होते हैं, दादा दादी होते हैं, जो मर चुके होते हैं, तो वो अल्लाह से जो है दुआ करते हैं कि अगर कोई उनसे गुनाह हुआ हो तो उनको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो वो 14 से 15 शाबान को ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखे होंगे कि मुस्लिम जो है वो कब्रिस्तान में जाते हैं, है ना, दुआ करते हैं, अपने अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो चीज़ें देखते हैं।
एडिशनली 12वें शिया मुस्लिम कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ मोहम्मद अल मेहदी ऑन दिस डेट। एक्चुअली शबे बारात को जो शिया मुस्लिम्स होते हैं वो खुशी इसलिए मनाते हैं, वो ये मानते हैं कि जो एक्चुअली शिया मुस्लिम 12 इमाम मानते हैं, तो जो 12वें इमाम थे वो मानते हैं कि उस दिन वो पैदा हुए थे, तो उसकी वो खुशी भी मनाते हैं। तो शबे बारात इसलिए फेमस है। कब होता है, बस आप ये ध्यान रखिए कब होता है, 14 और 15 शाबान को होता है, 8वां महीना, ये पूछ लेगा आपसे। ये देखिए नाइट ऑफ फॉरगिवनेस, शबे बारात। ओके फ्रेंड्स, अब आता है क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स में देखिए क्रिसमस, क्रिसमस क्या है, बेसिकली जीसस क्राइस्ट का बर्थडे माना जाता है और ये हर साल 25 दिसंबर को होता है इंग्लिश। ईस्टर या गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे क्या होता है, सेलिब्रेट फॉर द रेसुरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। एक्चुअली क्या है, ये किस लिए सेलिब्रेट किया था, जीसस क्राइस्ट ने दोबारा जन्म लेते हैं, जीसस क्राइस्ट जो होते हैं वो दोबारा जन्म लेते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू बाइबल 3 days आफ्टर जीसस वॉज क्रूसीफाइड ही वॉज रेसुरेक्टेड एंड हेंस ईस्टर इज सपोज टू सिग्निफाई द ट्रायंफ ऑफ लाइफ ओवर डेथ। हिंदी वर्षन में समझिए इसको, देखिए एक्चुअली बाइबल के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जब जीसस को, जब क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया, तो उन सूली पे चढ़ाने के 3 दिन बाद, ओके फ्रेंड्स, वो दोबारा जन्म ले लेते हैं। तो ये माना जाता है कि उसी को खुशी मनाते हैं कि उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया। तो ये माना जाता है कि जो बेसिकली मृत्यु पर जीवन की विजय हुई, ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए गुड फ्राइडे ये मनाया जाता है, ये खुशी का त्यौहार है। ये देखिए क्रिसमस है, ये गुड फ्राइडे है। महावीर जयंती, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ जैंस, जैंस का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ महावीर द 24th तीर्थकार एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जो 24 तीर्थकार थे महावीर, उनके बर्थडे में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये माना जाता है जो महावीर थे वो जैनिज्म के फाउंडर थे। इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ भाद्रपद, हिंदू त्यौहार में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भाद्रपद का महीना होता है उसके पहले दिन जो है ये महावीर जयंती होती है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में यूपीएससी में पूछ चुका है ये चीज़। ओके फ्रेंड्स, पर्युषाणा, पर्युषाणा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल होली इवेंट्स फॉर जैंस एंड इज यूजली सेलिब्रेटेड इन द हिंदी कैलेंडर भाद्रपद मंथ शुक्ल पक्ष। एक्चुअली क्या है, ये पर्युषणा भी ये जैन का फेस्टिवल है, किसका है, जैन धर्म का फेस्टिवल है। और ये भी कब पड़ता है, हिंदी कैलेंडर जो भाद्रपद होता है उसी के शुक्ल पक्ष के हिसाब से पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, इट लास्ट 8 days फॉर श्वेतांबरा एंड 10 days फॉर दिगंबरा। आप जानते हैं जैन में 2 सेक्ट होते हैं ना, श्वेतांबर दिगंबर, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। तो श्वेतांबर उसे इस त्यौहार को 8 दिन के लिए मनाते हैं और दिगंबर जो होते हैं उस त्यौहार को 10 दिन के लिए मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बुद्ध पूर्णिमा, इट इज़ द होली डे ट्रेडिशनली ऑब्जर्व बाई बुद्धिस्ट एंड सम हिंदूज ऑन डिफरेंट डेज इन मेनी कंट्रीज अलॉन्ग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया अलॉन्ग, मतलब इसको एक्चुअली क्या है, ये एक त्यौहार है जो कि बुद्ध धर्म के लोग मनाते हैं और कुछ हिंदू भी मनाते हैं और कई अलग अलग डेज में पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं, इंडिया में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक्चुअली सेलिब्रेट एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जो है भगवान बुद्ध थे, उनकी बर्थडे के उनकी जो बर्थडे होती है, बर्थडे की सालगिरह होती है, उसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसको सागा दावा भी सिक्किम में कहते हैं, समझ में आ गया ना। अभी हमने सागा दावा पिछले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में पढ़ाया था, तो वो जो सागा दवा है वो बेसिकली लॉर्ड एनिवर्सरी ही होती है, बर्थ एनिवर्सरी ही होती है लॉर्ड बुद्धा की। इसको हम लोग सिक्किम में सागा दवा भी बोलते हैं। मेन एरियाज ऑफ सेलिब्रेशन जहाँ जहाँ मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे बोध गया बिहार में, सारनाथ यूपी में और नॉर्थन इंडिया मनाया जाता है। और ये कब पड़ता है, फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ वैसाखा, जो हिंदी कैलेंडर में वैसाखा मंथ होता है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल या मई या जून में पड़ता है, अप्रैल के फर्स्ट में या मई जून के लास्ट में पड़ता है। तो वैसाखा के महीने के फुल मून को पड़ता है, जब नया चांद आता है तो उस दिन ये पड़ता है बुद्ध पूर्णिमा। अब दोस्तों आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल, जैसे कि दीपावली, शरद पूर्णिमा, होली, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, दशहरा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ और महावीर जयंती। रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ में पढ़ा चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट में। ओके फ्रेंड्स, ये सब आप जानते होंगे, आपने सुना होगा क्योंकि आप स्कूल में रहे होंगे या फिर नौकरी करते होंगे, तो आपके यहाँ छुट्टियाँ होती होंगी, तो ये सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किस महीने में पड़ता है और क्या छोटी सी स्टोरी है। ओके फ्रेंड्स, दीपावली, दीपावली को फेस्टिवल्स ऑफ लाइट कहते हैं, रोशनी का त्यौहार होता है ये। सेलिब्रेट ऑन द डे ऑफ न्यू मून और अमावस्या इन द मंथ ऑफ कार्तिक, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक का महीना होता है उसकी अमावस्या को ये पड़ता है जब। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कब होता है, अमावस्या को पड़ता है। सॉरी।
तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर या नवंबर का महीना होता है जब ये दीपावली पड़ती है। ड्यूरिंग द पूजा इन द इवनिंग गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप। दीपावली के शाम में किसकी पूजा की जाती है? लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा, इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ हिंदू ल्यूनर मंथ ऑफ अश्विन। ये शरद पूर्णिमा बेसिकली ये कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो अश्विन का महीना होता है, जो इंग्लिश में सितंबर से अक्टूबर के बीच में पड़ता है, तो उसी महीने में शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। फुल मून डे, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन मनाई जाती है। मार्किंग द एंड ऑफ मानसून सीजन, शरद पूर्णिमा आगे समझ लिया मानसून सीजन का ख़त्म हो गया, और इसमें हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, ये दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। होली, होली आप जानते होंगे इसे फेस्टिवल्स ऑफ कलर कहते हैं, और ये किस महीने सेलिब्रेट किया था? फागुन के महीने में सेलिब्रेट किया था, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से फागुन के महीने में, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति, इट इज़ अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू सन गॉड। बेसिकली इसमें क्या है, ये फेस्टिवल किसके लिए है? सूर्य देवता के लिए है। सेलिब्रेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक्चुअली क्या होता है, जो इसमें मकर संक्रांति में होता क्या है कि जो सन का मूवमेंट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तब आता है, तो इसकी पूजा की जाती है, और ये हर साल जो है जनवरी में पड़ता है। तो मकर संक्रांति ध्यान रखिएगा सूर्य देव के लिए है। जन्माष्टमी, इट इज़ एनुअल हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्णा एंड द एट्थ बर्थ आवर ऑफ विष्णु। एक्चुअली जो भगवान कृष्ण थे उनके जन्मदिन के अवसर पे जन्माष्टमी मनाई जाती है, और भगवान कृष्ण माना जाता है कि विष्णु के जो विष्णु देवता थे उनके आठवें अवतार थे। तो सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ श्रवण, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रवण महीने को सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त से सितंबर के बीच में पड़ता है दोस्तों। इसको हम लोग दही हांडी भी कहते हैं महाराष्ट्र में, जरा ऐसे जब चढ़ के जब दही फोड़ते हैं ना, वो दही हांडी ध्यान रखें, बहुत फेमस है वहाँ पर महाराष्ट्र में दही हांडी। दशहरा, इसको दोस्तों विजयदशमी भी कहते हैं। अ मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ नवरात्रि एवरी ईयर। तो जब नवरात्रि खत्म होती है हर साल, तो दशहरा मनाया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन द 10th डे इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ अश्विन। एक्चुअली क्या होता है कि जो वही हिंदू कैलेंडर में जो अश्विन का महीना होता है उसके 10वें दिन ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अश्विन क्या है, ये हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही पड़ता है। दशहरा में माना जाता है कि लॉर्ड राम विक्ट्री ओवर रावण। एक्चुअली राम, भगवान राम गए थे, आप सब स्टोरी जानते हैं, श्रीलंका में, उन्होंने रावण को मारा था, तो उनकी जीत को ही मनाते हैं। विजयदशमी मार्क्स द एंड ऑफ दुर्गा पूजा। ओके फ्रेंड्स, रिमेंबरिंग द गॉडेस दुर्गा विक्ट्री ओवर द बुफेलो डेमन महिषासुर टू रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट धर्म। एक्चुअली क्या था कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं कि जो दुर्गा माता थी उन्होंने महिषासुर को मार दिया था, तो ये भी एक स्टोरी है जो कि विजयदशमी में, इसलिए दुर्गा माता की भी पूजा लोग कई लोग करते हैं। ये है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये देखिए रावण को मरते हुए देखा होगा आपने। रामनवमी, ओके एक मिनट, हाँ देखिए रामनवमी, इट इज़ द स्प्रिंग हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड राम। लॉर्ड राम का जो जन्म दिवस होता है उसी को रामनवमी कहते हैं। राम 7th अवतार थे एज पर विष्णु, ध्यान रखिए हिंदू रिलीजन के हिसाब से। इट फॉल्स ऑन द 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ चैत्र। हिंदू महीना जो होता है चैत्र, है ना, उसके 9वें दिन जो है, 9th डे जो है शुक्ल पक्ष के 9वें दिन जो है ये रामनवमी मनाई जाती है, और ये मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। जो हिंदू कैलेंडर होता है चैत्र, उसके शुक्ल पक्ष के 9वें दिन जो है ये मनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर बताएंगे जो आपको, जो उसमें शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप 15 महीने को शुक्ल पक्ष बोलते हैं, 15 महीने को अलग चीज़ बोलते हैं, वो सब हमें हिंदी कैलेंडर में कवर कर देंगे आपका। दुर्गा पूजा, द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व इन द हिंदू कैलेंडर मंथ ऑफ अश्विन। हिंदू कैलेंडर मंथ जो अश्विन होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, उसमें दुर्गा पूजा की जाती है। सेलिब्रेटेड बाई कम्युनिटी ऑफ बंगाली एंड असमीज, ज़्यादातर बंगाली और असमीज के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, और वही सेलिब्रेट इन द ऑनर ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर विक्ट्री ओवर महिषासुर। गॉडेस दुर्गा ने जब महिषासुर को मारा था, तो उसी विक्ट्री को याद करते हुए इस दुर्गा पूजा के सेलिब्रेट किया जाता है। गणेश चतुर्थी, इट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ गणेश। गणेश के जन्मदिवस पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसको भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, उसके मतलब कि जो भाद्रपद महीना होता है उसके 4th डे को मनाया जाता है ये। ओके फ्रेंड्स, और याद है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में गणपति पूजा बहुत होती है, देखे होंगे आप लोग। ओके फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि ये हिंदू फेस्टिवल है जो कि हर साल लॉर्ड शिवा की याद मनाया जाता है। एक्चुअली इस दिन मनाया जाता है कि लॉर्ड शिवा की मैरिज हुई थी। ओके फ्रेंड्स, और फास्ट ऑन 14th डे ऑफ मंथ ऑफ माघा। एक्चुअली जो हिंदू महीना, ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है किस महीने में आता है, तो हिंदू कैलेंडर के जो माघा महीना होता है, तो 14th डे को ये मनाया जाता है, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जनवरी या फरवरी पड़ता है।
तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए जो देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उनको भी इस चैनल का फ़ायदा पहुँचे। और ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर हो गई हैं आपके लिए। तो आर्ट एंड कल्चर जितने भी चीज़ें मैं वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों, ये पिकू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका डांस एंड ड्रामा हो, चाहे वो आपका फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो, ओके फ्रेंड्स, चाहे वो मैंने आपका लिटरेचर बहुत पहले लाया हो, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।